बुधवार उपाय सफलता और तरक्की के लिए गणेश जी को ऐसे करें प्रसन्न। जाने बुध दोष के लक्षण और उपाय। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना आदि करने से बुध ग्रह के दोषों और प्रभावों को दूर किया जा सकता है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना आदि करने से बुध ग्रह के दोषों और प्रभावों को दूर किया जा सकता है। कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है तो उस पर परेशानियों की बरसात हो जाती है। वहीं अगर कुंडली में बुध बलवान हो तो इंसान को कई सारी खुशियों की सौगात मिल जाती है। आइए जानते हैं आखिर बुध हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है और इसके क्या उपाय हैं। डॉट बुध दोष के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध दोष है तो उसकी जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। इंसान बीमारी के घेरे में घिर जाता है। बुध दोष होने पर आर्थिक तंगी रहने लगती है। व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। वहीं मान सम्मान सब खत्म होने लगते हैं। अगर किसी का बुध ग्रह कमजोर है तो वे इंसान शिक्षा में कमजोर हो जाता है। सूंघने की शक्ति चली जाती है और अपनी बातों के जरिए प्रभावशाली भी नहीं बन पाता है। बुध दोष के प्रभावों को कम करने के लिए बुधवार के दिन गणेश की पूजा अर्चना आदि करने से दोषों का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में खुशियां वापस आ जाती हैं। बुध दोष करने के उपाय। कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध दोष है तो उसे बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। इसके साथ ही आप बुधवार को किसी जरूरतमंद या गरीब को हरी मूंग का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से बुध दोष के प्रभाव कम होते हैं और बुध ग्रह को मजबूती मिलती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन इन चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपकी करियर की ग्रोथ रुक रही है तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से समस्या दूर होती है। साथ ही अगर बुधवार के दिन गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करेंगे तो परिवार की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। गणेश चतुर्थी का पहला बुधवार है जो कि काफी महत्वपूर्ण है बिजनेस और नौकरी के लिहाज से। बुधवार को गणपति को सिंदूर अर्पित करें अगर घर पर विराजमान है तो घर पर, वरना मंदिर में जाकर करें। इसके साथ ही एक हरे रंग के कपड़े में 5 मुट्ठी हरी मूंग की दाल बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गणेश मंत्र बोलते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी।